गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग? और गुड मॉर्निंग बना रहे, मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग को इतना कुछ प्लान था। सबसे पहले था सुबह उठकर जूसी को जाना था जिम, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके इमिडिएटली मम्मी के पास जाना है। मतलब 8 बजे तक मम्मी के पास जाकर फिर 12-1 बजे तक मेरे फ्रेंड के घर जाने का वो प्लान था। लेकिन अभी टाइम कितना हो गया? 10:30। सब लोग सो गया, चुंसी का कॉल आ गया, आप लोग क्या कर रहे हैं? संतोष बोला, हम लोग तो रेडी हो गया, तुम लोग क्या कर रहे हैं? बोले, हम लोग जस्ट अभी उठाए, 3 बजे सो गया, टीवी देख, मूवी कुछ कर, क्या देख रहे थे? ब्रेकफास्ट आज इधर नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 बजे तक की, 10 या 10:30 बजे तक की ब्रेकफास्ट है। अभी हम लोग जब तक नीचे आएगा जाएगा तब तक ब्रेकफास्ट फिनिश, तो क्या करेंगे कोई आइडिया नहीं है। जल्दी जल्दी रेडी हो जाता है, फिर मिलते हैं हम लोग। 1 बजने वाला है, अभी तक हम लोग नहीं गया था, इधर ही था, क्योंकि उबर नहीं मिल रहे थे। बहुत सारे उबर आ रहे थे वो, लेकिन लास्ट मिनट में कैंसिल हो रहे थे। 11:40 तक रेडी हो गया था। मंडे टू फ्राइडे ऑलरेडी गाड़ी बुक कर रखा है, लेकिन वीकेंड्स में नहीं था, तो वही प्रॉब्लम था। तो किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक्चुअली ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था ना, लंच का था, लेकिन हम लोग उबर बुक किया तो फिर सोचा लेट हो जाएंगे। लेकिन उबर भी इतना लेट आ गया। अभी इधर एक गाड़ी आ गया था, किसी ने ड्रॉप किया था, संतोष जल्दी आकर पूछा तो वो मिल गया। तो बालाजी का कॉल था, माइलो को लेके वो के लिए रह रहे थे। तो माइल कल प्रीति ने एक वीडियो डाला था, हाई डांस की प्रीति बाइजू बाइजू बीजू ब्रिजू प्रीति ब्रिजू खेल रहे थे, इतना क्यूट था। तो पूरा मतलब सिर्फ खुशी का नाम नहीं बोलना है, खुशी बोले तो थोड़ा ऐसा ऐसा साउंड करता है महिला, नहीं तो परफेक्टली उनके साथ एकदम खुश है। हमारा घर में कैसा है ऐसा ही एकदम खुश है। शाश्वत के बारे में फ्रेंड है ना, स्वाति की बेटे के बारे में बोल रहा है, वो लोग चाइल्डहुड फ्रेंड है, उनसी का पहला दोस्त है शाश्वत। तो शाश्वत का आज एग्जाम है, शाम तक वो आएगा, हॉस्टल से आएगा, फाइनल एग्जाम है। तो हम लोग अभी पापा मम्मी के इवे इतना दूर उंड और अम्मा अड़ तो आना, हाँ 8 मिनट ही है, लेकिन ट्रैफिक कितना भयंकर, एक ही जगह कितना टाइम तक खड़ा था। तो अभी मम्मी को मिलकर, शायद मम्मी सो रहा होगा क्योंकि अभी दोपहर है ना। हम लोग जब आ गया तो ये मम्मी का मेडिसिन आ गया, उन्हीं ने ऑर्डर किया था शायद, तो सिक्योरिटी गार्ड ने दिया हम लोग को। जबरदस्त भूख लग रहा है, तो ओके वो बच गया वगैरह नहीं, 90 मिनट का क्या खाया, देखा बोल रहा है यू नीड दैट। कल से ज़्यादा है ना, अब आज थोड़ा ज़्यादा बात किया, मतलब 2-3 सेंटेंस और। आज मुझे देख कर पूछा, नहा लिया? नहा लिया, अच्छा लग रहा है, ऐसे ही रहो। मतलब वो मम्मी पहले भी ऐसे शायद पुराना, तुमने तो ऑब्वियसली मालूम पड़ गया वो मम्मी का नहाने के मतलब पुराना। एक वीडियो में, केरला वीडियो में भी, ब्लॉग में भी आप लोग देखा तो मम्मी ऐसे पूछते थे, वो नहा लिया मतलब मैंने इयर रिंग्स पहन लिया, बिंदी लगा दिया, मतलब बैंगल्स लगा दिया। मतलब मैं नॉर्मली ऐसा बैंगल्स नहीं पहनता ना, तो लेकिन हाथ नहीं देखा है ना, बिंदी और इयर रिंग्स मन में, फिर ऐसे ही देख रहे, बहुत सुंदर लग रहे, बहुत अच्छी लग रही, ऐसे ही बोलती रह रहे थे। तो मम्मी को हमेशा पसंद है मैं ऐसा बड़ा इयर रिंग्स लगा दो, बिंदी लगा दो। तो कल वो सब नहीं था, तो कल आज ही बोला, हम लोग डोर के उधर ही आ गया बेटी आ गया, मतलब इतना ऐसा। लेकिन वही रिपीट वही फिर बोलते रहते। फिर पूछा, खाना बना दिया, रेडी है सब? वो भी पूछा है, हाँ खुशी को बोला है, गुड गर्ल गुड गर्ल सब कुछ पूछा है। अभी मतलब इंग्लिश में आ गए
नहीं मैं ऐसा मतलब ऐसा थोड़ी थोड़ी बात, फिर उसके बाद अभी सोना शुरू किया, लाइन सब किया, खिचड़ी खाया, सोना शुरू किया। तो अभी हम लोग स्वाति के घर जा रहे हैं। हाँ, बहुत एक्साइटेड है, हम सब लोग बहुत एक्साइटेड है। हमारे घर के पास पहुँचने वाले है स्वाति, और हम लोग एक ही अपार्टमेंट में रहते थे, लेकिन पहले स्वाति कुकिंग करते ना, मैं एकदम सरप्राइज हो गई, तो ये इतने कब, इसका और मेरा एक ही एज है, तो मैं इतने कम एज में ये इतना कुछ कैसे सीख लिया, सब कुछ आते हैं, और इवनिंग स्नैक्स सब बना एकदम फटाफट, ऐसे टाइम लेके नहीं, किसी ने बोला कटलेट पकौड़ा, मतलब हाफ एन आवर के अंदर उधर कटलेट भी रेडी है, समोसा भी रेडी है, चाय भी रेडी है, इतना फास्ट फास्ट है। मेरा इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है, बेकिंग में पहले था, अब सभी में आ गया। हाँ, कुकिंग चैनल है, बेकिंग एंड कुकिंग, कुकिंग एंड बेकिंग, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग देखे ना, मास्टर शेफ है, केक का तो सब खाने का, अभी केक का इतना एक्सपर्ट है, मुझे नहीं मालूम था, अभी केक का भी एक्सपर्ट हो गया। वो भी मिलेगा, केक भी मिलेगा, मिलेगा, ठीक है, केक भी बनाए। अभी हम लोग बाइट करना, बात कर लंच कर लेते हैं। देखो केक, स्वाति स्पेशल केक, लेकिन पहले भी तुम ये मतलब नॉर्मल केक है ना, बहुत अच्छा तो बना सकते। देखो कैसा बना है, देखने के लिए बोला, खाने के लिए बोला, सब देख, ओ देखने के लिए बोला है, वो ले लो तुम्हारे लिए। अडीबड़ी केक है, एक खाना खाकर केक भी है ना, ऐसा खाना है जैसे, देखो स्वाति से पूछो, ये है स्वाति का आइकॉनिक हंसना, स्वाति ये मिस कर रहे थे हम लोग। जब से है तब से स्वाति से कुछ ना कुछ खिला रहे हैं। देखा इधर पिंस को दिखा दो, पिंस पिंस देखा, एकदम सेम टू सेम, और ये है हमारा शाश्वत, शाश्वत और चुंसी का बेस्ट फ्रेंड, चुंसी का सबसे पहला, शाश्वत का भी सबसे पहला दोस्त है, हाँ पहला प्यार है, डायपर प्यार, हाँ डायपर प्यार, अभी भी वो दोस्ती चल रही, कितना भी दूर है फिर भी दोस्ती चल रही। देखो स्नेहल फेस ही मुझे एक्सैक्टली खुशी को होता है ना, खुशी को भी सेम संबंध होता है, हाँ इस बार लकली नहीं हुआ है, हाँ हाँ अच्छा है, दोनों एक ही लग रहे हो। हाँ हंसने के बारे में मुझे कुछ लोग कमेंट करते हैं, अंजू थोड़ा लाउडली हंसते हैं, थोड़ा कम कर कर हंसना चाहिए, मुझे कमेंट आता है, तो देखो मैं हंसना भी है ना स्वाति से सीखा है, दिल खोल कर हंस लो, पहले मैं कैसे हंसते, कितना भी हंसी आता था ना चुप रहता था, लेकिन स्वाति ने मुझे हंसना सिखाया सीरियसली। एक्चुअली ये तो मैं बोलूंगी, अंजू पहले ना ऐसे थी, मतलब अब वो पूरी खुल गई, खुल गई है ना, ये मानते हो ना, अंजू पहले एकदम डिफरेंट थी, ना जोर से बोलना ना हंसना, उसको अजीब सा लगता था, सब तो मैं ठीक बोल रही हूं, हां एकदम नहीं, बाहर भी नहीं निकलती थी, अगर बाहर बच्चे लोग खेल दिया तो मैं ना आधा दरवाजा ऐसे देखती थी, स्वाति आ गया तभी मैं बाहर आती थी, अगर इसको हिम्मत होता था कि मैं बाहर उतरू, अदरवाइज ये खुद से तो बाहर भी नहीं आती थी, संतोष सही है ना, एकदम दूसरी तरह की अंजू थी। हाँ। अभी वो अंजू को देखकर मैं भी बहुत जज कर रही हूं, 360 क्या उसका भी डबल कर दो, हाँ। उसका भी डबल कर दो, बोलते हैं तो डिग्री से भी जाए अंजू, नहीं सर खाना बनाना आता था, हाँ बोल दो सब सही से, सच बोलते सच बोलते, खाना बनाना आता था, खाना बनाना आता था ना, इसको बात करना आता, हाँ ये घर बहुत अच्छा से करती थी, और बाथरूम बहुत अच्छा साफ करती थी, वो बोल के अभी भी घर रखना
बाथरूम साफ करना है, वो क्वालिटी अभी भी है। इसमें वो पूरा दिन निकालते थे बाथरूम साफ करना और घर का सफाई करना, पूरा दिन उसमें निकल जाएगा इसका। लेकिन उसके अलावा कुकिंग करना अपने ऊपर ध्यान भी नहीं रखते, नहीं बिल्कुल ऐसा है दो साल का फोटो दिखाऊं तो हर फोटो में इसका एक ब्लैक कुर्ता, एक ब्लैक कुर्ता और एक ब्लू कुर्ता था, है ना। पूरा दो साल का फोटो में तुम्हें वो एक ब्लैक कुर्ता और एक रेड जैसा, हम लोग एक लाने के लिए स्कूल जाते थे, हाँ, रेड, हाँ, 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 जो मैं एक बार बोल भी देती थी तुम से धोती है सुखाती है ऐसा वाला सिचुएशन। उसके पास कपड़ा ही नहीं, मैं खरीद शॉपिंग के लिए नहीं जाती, जाते थे इसके लिए खरीदने के लिए। आकाश का और शाश्वत का हम लोग कपड़ा मतलब वीकली होता था, अंजू का नहीं होता था। तुम भी नहीं, अच्छी बात बता रही हूँ। जब आकाश छोटा था तो अंजू पूरा टाइम संतोष को खुश करने में रहती थी। अब ये संतोष से पूछो कि उस टाइम पे वो खुश था कि नहीं, वो गेम को क्योंकि वो आकाश को मेरे पास भेज के ये संतोष को खुश करने में रहती थी। लेकिन खुशी का मैं देखी उस टाइम पे, मैं भी लंदन में थी, खुशी का बहुत अच्छे से केयरिंग, मतलब ये टाइम उसका ब्रेकफास्ट है, उसका जूस का टाइम, उसका दूध का टाइम, मतलब बहुत ज्यादा केयरिंग, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कि चलो अंजू सीख गई। अरे मेरा जैसा ना बहुत सारे लोग होते होगा यंग एज में शादी होते हैं और समझ में नहीं आ रहा है, और मैं हमारे पूरा फैमिली का सबसे, इवन कसिन लोग में भी सबसे छोटी मैं ही है, तो वो लाड प्यार तो बच्ची बनी रही और मेरा जॉइंट फैमिली था ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है शादी के बाद संतोष, मतलब पहले बीवी तो बनना चाहिए ना, तो मैं मैक्सिमम कोशिश करती थी मम्मी पापा संतोष को खुश करने का, वो चक्कर में हमेशा, तो वो मेरा प्रायोरिटी हो गया। और चूँ से सडनली बच्चा हो गया, 6 महीने के अंदर मैं प्रेग्नेंट हो गया, बच्चा हो गया, तो है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे मैनेज करना है। मैं इसमें फोकस किया तो इधर कुछ मम्मी पापा संतोष में कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन संतोष ने मुझे कभी भी, है ना, संतोष तो हमेशा परफेक्ट, अभी कैसा है वैसा ही था, लेकिन मैं था संतोष गया पापा मम्मी के पास, इधर ये बच्चे लोग लिया मोमोस और समोस चुंसी और शाश्वत लेकर आया। नहीं मैं सोचा समोसा बोला, समोसा भी आ रहा है ये, मैं ना तुम लोग जब यहाँ थे ना बैंगलोर में जब रहते थे तो ये मैं, तो ये टेस्ट जो डेवलप हुआ है ना तुम्हारे घर से, तुम्हारे ससुर जी ले रेगुलर वो रहता था, कोई भी नहीं खाता था, तुम्हारे घर का बच्चा वो क्योंकि अंकल रोज लेके आते थे, याद है ना, तुम मोटी भी हो रही थी बोलते, तो ये वाला जो टेस्ट है ना, हाँ, मतलब तुम्हारे घर से मेरा, हाँ, तो इसलिए हमें तो नहीं पता, स्वाति और एक्चुअली स्वाति और मैं इस घर में नहीं था, ये घर देख रहे हैं ना अभी तो अंधेरा हो गया, ये कल हम लोग आएगा है ना, कल मैं आप लोगों को हमारा घर सब दिखाती हूँ, अभी बोल रहे रेंट पे रह रहे हैं, घर सब दिखाती हूँ, बैठ रहे मैं और स्वाति थोड़ा वो करने जा रहे हैं, और पार्क भी पता नहीं, मैं इधर रही है मुझे वो पार्क कौन सा है मालूम नहीं, तो मैं बोला चलो हम लोग वॉक करने का, क्योंकि खाना खाने के बाद है ना, वो पक सब खाने के बाद है ना, बहुत खाया और जब से खाया बैठे ही गप्पा मार रहे हैं, ये बैठा है पहले हम लोग इधर वो करते थे, लेकिन इतना खाली खाली था, अभी देखो हर मिनट में गाड़ी आ रहा है, मिनट तो बहुत, मतलब अभी उधर था ना ब्यूटी पार्लर, अभी भी है, वो भी पूछते रहते, एक ब्यूटी पार्लर था, स्वाति अभी बोल रहे हैं अभी भी पूछते रहते हैं अंजू किधर है, प्रीति ब्यूटी पार्लर, हाँ। वो अंजू के बाद वो भी केरल की थी हाँ, तो इसलिए हमेशा अंजू का पूछती है, अभी भी पूछती है अंजू कहाँ है, इधर आई थी तो, हाँ एक्चुअली हर ओनम में अंजू इधर रहती है केरल में, हाँ। तो उसको मैं बताती हूँ ओनम में वो आती है इस बार ओनम के पहले आ गई है तो पूरा बदल गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है पहले वाला एरिया है, हम लोग जाते थे है ना, बिल्डिंग सब बहुत सारा आ गया था, लेकिन दुकान सब इतना नहीं, एक ही एक बेकरी था, पूरा ओवर क्राउडेड हो चुका है, ओवर डेवलप हो चुका है ये एरिया बोल सकते हैं, लाइफ है, लेकिन ये हाँ। खद्दास पूरा मस्त लाइफ है, एंजॉय करते हैं हम लोग सब, हाँ।
इधर तक मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन पार्लर के लिए वहाँ तक जाना पड़ेगा आगे तक, चलना है? हाँ चलते हैं। हाँ देखो यही है प्रीति का ब्यूटी पार्लर, प्रीति ब्यूटी पार्लर। तो उधर से हम लोग वेजिटेबल्स लेते थे, वो तो हम लोग बोलते थे थोड़ा सा धनिया दे दो, करी लीव्स दे दो, मिर्ची दे दो। ग्लोबल सिटी स्कूल यही है? सामने से ये तो पीछे वाला बिल्डिंग। हम लोग पार्क आए गए, मैं जब रहता तो उस समय ये पार्क कुछ नहीं था, नहीं था ना। तो हम लोग वापस रूम में आ गया, तो आज खुशी हमारे साथ सो रही है क्योंकि कल सुबह 6 बजे चुंगसी को ट्रेनिंग के लिए जाना है। संतोष चुंगसी और संतोष जाएंगे, तो हम लोग सोएंगे उस समय, रेडी हो जाएंगे तब तक। तो फिर आकर फिर से तो आकर फिर मम्मी के पास जाएंगे। कल शाम को दो प्लानिंग है, स्वाति के घर जाना है, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को बोला ना राजस्थान का संतोष का जिगरा, जिगरे का टुकड़े लोग सब इधर है तो सब लोग मतलब मिलने का कोई रेस्टोरेंट में मिलने का, मतलब फैमिली सब लोग मिलने का प्लान है। वो क्या होगा वो कल शाम को ही पता चलेगा। Dude, it was so fun going to the hospital. हाँ, ये लोग शाश्वत को उनका, मैं बोला ना स्वाति और चुंगसी हमेशा पूछते हैं हम लोग इतना टाइम, 2 साल ही हम लोग एक साथ रहा है, फिर इतना कनेक्शन कैसे हो गया। हमेशा चुंगसी होते क्योंकि चुंगसी और शाश्वत में भी इतना अच्छा बॉन्डिंग है। खुशी और चुंगसी का एटलीस्ट लंदन में हुआ था दोस्ती। What do you mean? खुशी और चुंगसी? नहीं, खुशी और स्नेहल का, वही कुछ दोस्त ऐसा है। Dude, and also we're always matching for some reason. हाँ, really तो कुछ दोस्त लोग ऐसा है हम लोग ना कम टाइम में ही होता ना ऐसा फैमिली जैसा हो जाता है। और स्वाति और मेरा ये हम लोग हर दिन फ़ोन नहीं करते, कभी कभी सालों में हम लोग फ़ोन नहीं करते ऐसे, लेकिन जब भी कोई ज़रूरत है या कुछ दुख होते हैं सबसे पहले स्वाति को मेरा ही याद आता है। मुझे स्वाति का बहुत अच्छा किया, ऑलमोस्ट 6 साल, हाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो 6 साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं। आई होप आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आ गया तो लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो पसंद सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।